दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बहर में हो आपकी जिनी दोस्त तबस्सुम। आप सबको सुबह बहर। इस वक्त में जिंगे जुनूबी जजरा हाइना में वगे एक ये जो बोटेनिक गार्डन में मौजूद हो, और यहाँ सुना है कि तकरीबन 3,000 से जायद एग्जाम के पौधे मौजूद हैं। इसीलिए मैं यहाँ सैर करने के लिए आई हूँ। और अब हाइना में सुबह का वक्त है, लेकिन टेम्परेचर बहुत बुलंद है और गर्मी भी पड़ रही है। लेकिन साथ साथ हल्की हल्की हवा चलने की वजह से थोड़ा सा ठंड लग रही है। माहौल तो काफी खूबसूरत है, और आप भी देख सकते हैं कि मेरे आसपास मुख्तलिफ तरह लगते हैं, और हम भी साथ साथ देख सकते हैं कि चारों तरफ सब्जी ही सब्जी नजर आता है। और क्या आपको पता है कि मेरे पास ये तरहत कौन सा तरहत है? ये तो हम नजदीक से देखें। आप देखिए, इसका पौधे हैं पौधा पता बहुत वाइट है। और साथ साथ आप देखिए, तरहत पर ये जो फल भी है, और आपको पता है कि ये कौन सा फल है? अगर आपको पता है जरूर कमेंट्स में मुझे बताएं, और हम आगे जाएं और देखते हैं। इसका फल है, फ्रूट है, मुख्तलिफ रंग है का है। अभी हमने ये देखा है, ये ग्रीन कलर का है, और ये वाला है, ये सुरह रंग का फल है। ये सब तरह पर लगता है। ओ, वाह, इस तरह पर ज्यादा फल लगता है। आप देखिए, ये छोटा सा वाला है, ये है, ये चॉकलेट बनाने के लिए ये जो मवाद है, कोको का फल है। आप देखिए, ये कोको फ्रूट है। जी हाँ। और हम आगे देखिए, क्योंकि जिस तरह हाइना में ये जो माहौल है बहुत साफ सुथरा है, और चारों साल भर में यहाँ का टेम्परेचर बहुत बुलंद है, इसीलिए यहाँ जो गर्म इलाके में लगने वाले पौधों के लिए ये माहौल है बहुत साजगार है, बहुत बेहतर है। इसीलिए यहाँ तो काफी ज्यादा जो मुख्तलिफ एग्जाम के रहते हैं, हमें यहाँ नजर आ सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखिए, ये खोखो का भाव है, इतना बड़ा है। पता नहीं कि आपने बहरे देखा है या नहीं, और मुझे भी पता नहीं कि पाकिस्तान में खोखो के तरह लगते हैं, मौजूद हैं या नहीं। आप जरूर कमेंट्स में मुझे बताएं, क्योंकि मेरे आबाई शहर बेजिंग में मौसम तो इतना गर्म नहीं, इसीलिए ऐसे दरहत जो गर्म इलाके में लगने वाले दरहत या पौधे हैं या वगैरह है, हमें बहुत गर्म नजर आते हैं। और ये देखकर मुझे बहुत तजस्सुस है कि चॉकलेट बनाने का जो अमल कैसा है, और चॉकलेट बनाने के लिए ये मवाद कैसा है। और अब मैंने देखा है, अपनी आंखों से देख लिया है, ये जो चॉकलेट बनाने के लिए खोखो फ्रूट। और आप देख सकते हैं, इतने सुबह में ही काफी ज्यादा सियाह आ गए हैं और सैर करने के लिए आए हैं। और देख सकते हैं यहाँ, यस, हम खोखो के जंगल से निकल गए हैं, और यहाँ मुख्तलिफ दरहतें भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि इसका नाम है, ये नाम जाने के लिए काफी मुश्किल है। गुड मॉर्निंग, कौन हमारे साथ है? मम्मा वार जी, वेलकम। आप सबको खुशामदीद। आप बहुत जल्दी से उठ गए हैं। अब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 6:30 या 7 बजे हैं। आप सब उठ गए हैं। आप सबको खुश आमदीद। और यहाँ एक बहुत मशहूर सियाहती मकाम है,
青龙 Botanic Garden है और इस Botanic Garden में तकरीबन 3,000 से ज्यादा ये जो मुख्तलिफ पौधे लगाए जाते हैं। ओ मेरे सामने एक फार्म है, यहाँ जो वनीला लगता है। वनीला आप जानते हैं, ये आइसक्रीम बनाने के लिए, कुकीज बनाने के लिए, इसका जायका में इजाफा करने के लिए ऐड करना है वनीला। ये वनीला लगाने का एक फार्म है। सुना है कि वनीला का कीमत बहुत महंगा है, बहुत महंगी है। तो हम आगे चले और देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से जो बहुत कम नजर आने वाले जो पौधे हम देख सकते हैं, मिल सकते हैं। यहाँ माहौल का भी ज्यादा खूबसूरत है, साफ सुथरा है। और सुना है कि यहाँ ये जो दरख्त लगाने गए, ये सब ये जो नेचर किसे कहते हैं, आप देखिए ये तमाम लीव्स वगैरह है, पत्ते हैं, ये दरख्त से गिरकर बराह रास्त जो दरख्त के पौधे पर लगते हैं, महफूज रखते हैं, दागी इनको ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। और हम आगे चले और देखते हैं कि वो ये हमारे सामने ये कोकोनट का दरख्त नहीं है, लेकिन ओ ये कोकोनट है और इसका लंग है, सुने गोल्डन लंग का कोकोनट है। वो बहुत खूबसूरत, आसमान बहुत नीला है और ऊंचे ऊंचे दरख्त भी हैं। ओ ये भी है, ये कोको के दरख्त है, आप देखिए ए फ्रूट कितना बड़ा है। और सुना है कि ये जो कोको के फ्रूट है, चाहे इसका रंग सुर्ख का है या अभी हमने जो सुर्ख रंग का भी देखा है और ये जो ग्रीन कलर का भी देखा है, और जब वो पका हुआ तो इसका रंग सब जो जर्द रंग में बदल हो जाएंगे। वो इतने ज्यादा दरहद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे उनका नाम ही नहीं पता। जी हम आगे चले, यहाँ भी काफी ज्यादा जो मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगते हैं। और ये क्या है? ओ ये कोंकण शू। इस पौधे के कोई का कोई पता नहीं, आप देखिए इस पर एक ही पता ही नहीं। वो बहुत अजीब सा लगता है। तो हम आगे चले और आप देखिए इस तरह का फ्लावर है, बहुत खूबसूरत लगता है। और इसकी शिकल है, इस फ्लावर की शिकल है, मुझे लगता है कि फ्लामिंगो की तरह है, बहुत खूबसूरत है ना। पता नहीं कि ये क्या है। जी पता नहीं कि आप जो बाहर जाने सैर करने के लिए या सैरो सियाहत के लिए कोई मंसूबा है या नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी जो स्टूडेंट्स के लिए वोकेशन समर वोकेशन है। क्योंकि अब जो चाइना में स्टूडेंट्स समर वेकेशन में है, इसीलिए काफी ज्यादा लोग ये जो छुट्टी लाकर अपने बच्चों के साथ साथ लाकर जिनके मुख्तलिफ इलाकों में सैर करते हैं। और ये जो सुबह हाइनान है, जब हाइनान का जिक्र किया जाए तो हमारे जहन में जरूर ये आइडिया आ जाएगा कि हाइनान है ये जो सैरो सियाहत की वजह से बहुत मशहूर है। और यहाँ के जो वसीख वसीख समंदर है और यहाँ के मुख्तलिफ इकसाम के कैसे कहते हैं कुदरती
वसाइल हैं, बहुत मालामाल हैं, इसीलिए लोग यहाँ आकर, यहाँ आने के बाद यहाँ सैर करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे मैं यहाँ आकर, ये तो इतने ज्यादा एग्जाम के जो पौधे देखकर तो मेरी मालूमात में भी इजाफा हो सकती है। और साथ साथ समंदर मैंने भी देखा है, और समंदर के पास आराम कर सकती हूँ, और ये जो तैर भी सकती हूँ, इसीलिए मुझे तो बहुत इस जगह को बहुत अच्छा लगता है। ये कौन सा है? और मुझे लगता है कि यहाँ जो बहुत ज्यादा पौधे हैं, हम बीजिंग के शहर बीजिंग में भी देख सकते हैं, मार्केट में भी मिल सकता है, लेकिन जो यहाँ के दरख्त है ये तो बहुत ह्यूज है, बहुत बुलंद पर ही है, जो ये तो बीजिंग से मुख्तलिफ है। वो इतने ज्यादा यहाँ का माहौल, जिस हाइनान का माहौल बहुत गर्म है। यहाँ विंटर का मौसम नहीं है, इसीलिए ऐसे जो गर्म इलाके में लगने वाले दरख्तों के लिए, पौधों के लिए यहाँ का माहौल बहुत मुनासिब है। और साथ साथ यहाँ जो मौसम की खूबी की वजह से, यहाँ मौसम की इस खूबी की वजह से काफी ज्यादा जो जराअत के शुबे में काफी ज्यादा आजमाइश है, तजुर्बात है, यहाँ क्या जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत गर्म है, और यहाँ चावल साल भर में तकरीबन 3 दफा पकते हैं, चावल की फसल हो सकती है 3 दफा, इसीलिए जो काफी ज्यादा ये जो जराअत के हवाले से काफी ज्यादा तजुर्बात यहाँ किए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आजकल ये जो जजरा हाइनान है, न सिर्फ बहुत गर्मी है, अब गर्मी बढ़ रही है, और आप भी देख सकते हैं कि अब पसीना आ रहा है। वो ये है, ये नन्हे नन्हे कोकोनट का नन्हा नन्हा दरख्त है। आप देखिए, ये कोकोनट है, और साथ साथ यहाँ से कोकोनट का दरख्त निकल रहा है। वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा जो पौधे हैं या फ्रूट्स हैं हमें मार्केट में आमतौर पर मिल सकता है, लेकिन इसका पौधा किस तरह का है हमें तो पता नहीं। यहाँ आने के बाद हमें इन मुख्तलिफ फ्रूट्स के पौधों के हवाले से जो जानने के लिए बहुत बेहतर बेहतरीन मौका मिल सकता है। ओ, यहाँ एक्सट्रीम भी है। वाह, जंगल में थोड़ा सा ठंड लग रहा है। जी हाँ, मुझे याद है कि तकरीबन, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 14-15 साल पहले मैंने एक दफा इस बोटेनिक गार्डन की सैर की थी, लेकिन उस वक्त इसके हवाले से जो ज्यादा यादें नहीं है, लेकिन आज यहाँ आने के बाद और यहाँ जो पौधों के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात सीखने के बाद, सुनने के बाद, मुझे यूं लगता है कि यहाँ आने के बाद वाकई मेरी जो मालूमात में इजाफा हो रहा है। देखिए सामने ये जो बटरफ्लाई है उड़ रहे हैं, यहाँ न सिर्फ पौधे बहुत ज्यादा है, बल्कि यहाँ बाग्स या मॉस्किटोस, बटरफ्लाइज वगैरह की बड़ी तादाद भी मौजूद है, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल, कुदरती माहौल है, कितना बेहतर है। और इस दफा जब मैं जितना हाइनान आ गई हूँ, और मुझे यूँ लगता है कि यहाँ
जो देश में माहौल के किए बाकी काफी ज्यादा ये जो इकदाम किए जा रहे हैं। मैं यहाँ आने के बाद ये जो इस्तेमाल करने वाले ये जो शॉपिंग बैग्स है, ये आम प्लास्टिक बैग नहीं है बल्कि सब माहौल दोस्त के मसनूआत हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ हम यहाँ आकर हम भी देख सकते हैं सड़कों के पास कोई रविश वगैरह भी नहीं है, और जो सरहद सड़कें हैं बहुत साफ है, पानी है भी बहुत साफ है, और समंदर भी बहुत साफ लगता है। इसीलिए यहाँ का माहौल है बाकी बेहतर से बेहतरीन हो रहा है सैर करने के लिए। देखिए, सुना है कि इस इन सरहदों इसका चाइनीज नाम गोवे हुआ, इसका मतलब है कि इस फ्लावर की शिकल है कुत्ते का टेल की तरह है। ओ, ये भी बहुत अजीब लगता है, ये भी है काफी ज्यादा। पता नहीं कि आपको हाइनान के इस सिंगलोंग नामी ये जो बोटेनिक गार्डन के हवाले से आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट्स में मुझे बताएं। और मुझे भी पता नहीं कि क्या आप ये जो मुख्तलिफ प्लांट्स यानी पौधों को पसंद है या नहीं, लेकिन आज आप मेरे साथ इस पौधों की दुनिया की सैर की है। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तबस्सुम को इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि आप सबको हैव अ नाइस डे, और आप जरूर खुश होंगे और सेहतमंद रहेंगे। तो तबस्सुम को हाइनान से इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।